हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप अपने सीपीयू में डीवीडी राइटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीवीडी राइटर को लगाना चाहते हैं, तो फिर कैसे लगा सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर बाय करते हैं, जैसे कंप्यूटर को खरीदते हैं तो उसमें हमारा जो सीपीयू रहता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो उसमें अगर रेडीमेड आप खरीदते हैं तो उसमें क्या है कि डीवीडी राइटर के साथ में नहीं आता है, उसको अलग से खरीद कर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि आपके सीपीयू में जो है बिल्कुल आगे से प्लेन आएगा, क्योंकि उसमें तो डीवीडी राइटर को लगाने का जगह तो दिया रहेगा लेकिन फिर भी प्लेन आएगा, ठीक है। तो इसी बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में, और यहीं आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने सीपीयू में डीवीडी राइटर को लगाना चाहते हैं तो फिर कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे कि हमारा सीपीयू जो है बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, और ये जो स्थान जो दिया हुआ है यहीं पर हम डीवीडी राइटर को लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लगाएंगे अपने सीपीयू में एलजी का जो डीवीडी राइटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलजी कंपनी का है, हम इसी को अपने इस सीपीयू में लगाएंगे, इनपुट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कैसे की जाती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए कुछ केबल है, तो केबल के बारे में कुछ बेसिकली हम आपको बताएंगे जो कि आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा सीपीयू है, तो इसको तोड़ फोड़ नहीं करनी है, ठीक है। अब अंदर से हाथ लगाकर जैसे ही हल्का से इसको धक्का देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा एक हाथ अंदर लगा हुआ है, अब इसको हल्का सा धक्का देंगे और बिना कुछ तोड़ फाड़ किए ये बड़े आसानी से बाहर आ जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं कुछ टूटा फूटा नहीं और आसानी से बाहर आ गया, और चाहे तो फिर इसको हम बाद में लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी स्थान पे हमें क्या करना है, अपना डीवीडी जो राइटर है इसको हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर लगाएंगे तो बारीकी तरीके से आराम से बैठ जाएगा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए बड़े आसानी से बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के ये आराम से बैठ गया, ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका डीवीडी राइटर जो इनपुट हो गया। अब बेसिकली आपकी आता है, आपको ध्यान देना है केबल के ऊपर, केबल को कैसे ज्वाइंट करना है, आपको कैसे कनेक्शन करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दो प्रकार के यहाँ पे केबल आपको दिखेंगे, ठीक है। तो एक केबल और इसमें का एक साटा केबल, इसको साटा केबल बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साटा केबल, ठीक है। तो इस साटा केबल को आपको डीवीडी राइटर में लगाना है, ठीक है। और ये जो केबल आपको दिख रहा है इसको भी आपको अपने डीवीडी राइटर में लगाना है, क्योंकि आपके डीवीडी राइटर में जो भी कैसेट रहेगी वो सारे डाटा शो करेगा, ठीक है, ये इनपुट करेंगे तभी शो करेगा, ठीक है। ये लगाएंगे तो ये तो पावर केबल हो गया, लेकिन डाटा ट्रांसफर के लिए आपको इसको इनपुट करना पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों केबल को हम अपने सीपीयू में जो डीवीडी हार्ड ड्राइव है, सॉरी डीवीडी राइटर है, हम उसको इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर से तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारा हाथ अंदर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है, तो और मैं ज़्यादा जबरदस्ती किया तो इसमें कुछ टूट फूट हो सकता है। इसलिए मैं अपने डीवीडी राइटर को मैं बाहर निकालूंगा सिंपली, और बाहर निकालने के बाद से इसी के अंदर से इस साटा केबल को निकाल लूंगा, ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम अपने साटा केबल को बाहर निकाल दिए, और बाहर निकालने के बाद से आपको इस पे ध्यान देना है कि देख लेना है कि आपका जो साटा केबल है किस तरह बैठेगा, ठीक है। ऐसा ना कहीं उल्टा दबा देंगे तो टूट फूट हो जाएगी, तो बाद में पछताना पड़ेगा और साथ में रोना भी पड़ सकता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसमें इनपुट होगा, तो हम इसको देख लेते हैं किधर से लगेगा। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार लगेगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह कर देंगे, और करने के बाद से हल्का सा प्रेस करेंगे, जैसे कि हल्का सा दबाएंगे, और ये देखिए पूरी तरह से बैठ चुका है बिना किसी परेशानी के और बिना किसी झंझट के। अब हमें क्या करना है, ये तो इधर केबल नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरे ख्याल से छोटा पड़ रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नहीं छोटा नहीं पड़ेगा, आ भी सकता है, कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं फ्रेंड्स, ये क्यों नहीं होगा। तो बस इस केबल को मैं यहाँ से छोड़ा दूंगा, और छोड़ाने के बाद से मैं इसको इधर खींच लूंगा, ओके। और खींचने के बाद इसी को भी हम इधर से ला देते हैं। मैं इसको इसलिए इधर से ला रहा हूँ कि इधर से लगाने में आसानी हो रही है और हमारा हाथ अच्छी तरह से बैठ पा रहा है, अंदर से नहीं बैठेगा। लगाऊंगा एक तो टूटेगा दो, इसलिए इधर बाहर निकाल लीजिए। और ये देखिए डाटा ट्रांसफर केबल को हम इसमें इनपुट कर रहे हैं, देखिए बड़े आसानी से बैठ गया, कट दे करके आवाज़ आया, ऐसा आ गया तो समझिएगा कि बैठ गया पूरी तरह से। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें इसको यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है, इसको इसके जगह पे लाकर छोड़ देना है, ओके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से अपने जगह पे आ चुका है, ओके। देखिए
पूरी तरह से अपने जगह पर आ चुका है। और यहाँ पे देखिए बोल्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, और ये चारों अगर बोल्टिंग सही तरीके से दिखे तो समझिए पूरी तरह से बैठ गया। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसको आपको कस देना है, सारे तार को ठीक से करके आपको इसको टाइट कर देना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि ये हमारा जो डीवीडी राइटर जो है शो हो रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, तो चलिए फटाफट से हम अपने केबल को इसमें जोड़ लेते हैं, इनपुट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा पावर केबल, जैसा कि आप जानते हैं ये पावर केबल ही होता है। पावर केबल हमने लगा दिया और ये लगा दीजिए, भीजिए केबल लगा दिया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। भीजिए केबल लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें माउस और कीबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे केबल लगाना है, तो मैं यहाँ पे माउस का लगा दिया, कीबोर्ड का लगा दिया और यहाँ पे स्पीकर का लगा दिया। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना है, चलिए अब अपने सीपीयू को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि केबल देख पा रहे हैं पूरी तरह से हो चुका है, आगे से भी देखेंगे, देखने में काफ़ी स्मार्ट दिख रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब चलिए अपने कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा केबल, हम इसमें इनपुट करेंगे और इसको चालू करेंगे, और चालू करने के बाद हमें इस बटन को दबा देना है जैसा कि आप जानते हैं। और ये देखिए हमारा सीपीयू जो है चालू हो गया, मेरा डीवीडी राइटर का जो लाइट है देखिए यहाँ पे जलने लगा। ठीक है, भुक भाई कर रहा है, यानी कि जलने लगा। ठीक है, ये देखिए उठा लिया। ओके, जब लाइट जल रहा है डीवीडी राइटर में तो समझ लीजिए कि उठा लिया। और यहाँ पे देखिए हमारा कंप्यूटर जो है वो चालू हो रहा है, तो चालू होने देते हैं। और आपको अपने डीवीडी मेरा उठाया है या नहीं उठाया है मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक डीवीडी कैसेट भी प्ले करके हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा कंप्यूटर जो है चालू हो रहा है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है चालू हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं आपको सीडी जो है कैसेट प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2-3 बार हम रिफ्रेश कर देते हैं और चलते अपने माइक कंप्यूटर पे। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे हमारा जो डीवीडी राव ड्राइव के नाम से एक है फाइल शो हो रहा है, इसमें एक कैसेट भी लगा कर रखा हूँ मैं पहले से ऑलरेडी, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कैसेट निकाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और मेरा कैसेट जो है बाहर आ गया, यानी कि अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और फिर से इसी बटन को दबाएंगे तो कैसेट अंदर चला जाएगा और यहाँ पे देखिए प्रोग्रेसिंग चालू हो जाएगी और ये उठाने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसेट मैंने निकाल दिया तो उसका आइकन किस प्रकार करके आया है, ये देखिए, ये देखिए कैसेट जो है हमारा उठा लिया। ओके, और उठाने के बाद क्या करना है, इसको प्ले कर देना है। देखिए प्ले हो रही है, तो देख सकते हैं बिना किसी परेशानी के प्ले हो गया। तो इस पर क्या करके डीवीडी राइटर को आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके अपनी परेशानी को दूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल का पहला मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।